हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्ले स्टेशन फाइव का और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज का अनबॉक्सिंग करने के लिए तो चलते हैं भाई सीधा अनबॉक्सिंग की तरफ तो और देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है ओ भाई भाई, भाई बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है मेरे को एंड आई एम श्योर भाई पता था मुझे कि इसके अंदर में एक और बॉक्स है तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर पर एक और बॉक्स निकल चुका है जो कि पूरा व्हाइट कलर का है और सिर्फ इसमें सेंटर फिर स्टेशन का लोगो है तो चलिए चल कर देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर पर क्या क्या, क्या कंटेंट सोनी ने डाला है स्पेशली भाई तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स ओ माइक गॉड भाई बॉक्स के अंदर पर एक और बॉक्स मतलब बॉक्स फिर बॉक्स फिर उसके अंदर एक और बॉक्स भाई तो चलते यार पहले छोटे बॉक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि छोटा जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा धमाका होता है भाई भाई छोटे वाले बॉक्स तो सबसे पहले खोलते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं तो सबसे पहले हमें बॉक्स खोलते हुए ही दर्शन होते हैं भाई प्ले स्टेशन के बुक्स का इसके बाद हमें मिलता है एक पावर केबल ये डायरेक्ट केबल है इसमें कोई भी अडाप्टर की जरूरत नहीं होती डायरेक्ट पावर प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है इसमें तो ये वो पावर केबल है इससे हम साइड हैं। उसके बाद देखते हैं कि और क्या मिलता है भाई उसके बाद हमें मिलता है एक यूएस केबल ये काम आएगा मोस्टली हमारे जो कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए हम इसको चार्ज करते करते भी गेम खेल सकते हैं भाई इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और केबल भाई ये है एच डी एम का केबल ये है भाई सबसे अल्ट्रा फास्ट केबल क्योंकि इसमें 8K तक का सपोर्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कोई और एच डी एम आई केबल यूज ना करें जो प्ले स्टेशन के बॉक्स पर दिया गया वही एच डी एम आई केबल यूज करें क्योंकि यही सबसे बेस्ट है इसके बाद देखते हैं भाई केबल के काम तो सारे खत्म हो चुके हैं ओ मई इसके बाद हमारे पास आता है ये है प्ले स्टेशन फाइव का स्टैंड इससे हम प्ले स्टेशन को या तो फिर वर्टिकली या तो फिर हॉरिजॉन्टली स्टैंड कर सकते हैं आगे देखते हैं इस बॉक्स पर और क्या क्या चीज़ दिया गया है ओ भाई फाइनलींट्रोलर finally रिवील्ड finally, ये देख लो ये है नया PlayStation 4 PlayStation कंट्रोलर प्ले स्टेशन फोर के कम्पेरिजन मेंगड़ा लग रहा है और भाई हैंडी फील भाई बहुत अच्छा और इसमें प्ले स्टेशन का लोगों का इनग्रेविंग भी है भाई इसमें बहुत मतलब बहुत सा बहुत प्रीमियम सा फील आ रहा है भाई इस को यूज कर आगे गेम खेल कर देखेंगे की कैसे है और कई कंट्रोलर पर दिया गया है हैप्टिक फीडबैक और वाइब्रेशन का सिस्टम दिया गया है जो भाई की तरफ पर जो कि भाई हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कंसोल को देखने के लिए भाई तो आ जाइए आप भी रेडी हो जाइए कंसोल को देखने के लिए ओ भाई इस बॉक्स पर रखा हुआ है भाई वो कंसोल वो पावरफुल कंसोल नेक्स्ट जेन कंसोल तो चलते हैं भाई उस कंसोल को निकालते हैं तो भाई ये रहा हमारा प्ले स्टेशन फाइव हम खोलते हैं जरा धीरे धीरे रखना बहुत ज्यादा वेट है भाई इसका बहुत ज़्यादा ही वेट है। सो गाइस ये भारी तो है मतलब नेक्स्ट लेवल वेट है इसका और भाई इतना और होगा भी क्यों नहीं भाई इतना अच्छे अच्छे चीजें दे रहे हैं भाई इतना क्वालिटी दे रहे हैं इतना पावरफुल चीज बनाया गया है तो भाई वेट तो होगा ही होगा ना सो so भाई ये है हमारा कंसोल और ये रहा उसका कंट्रोलर और यही है प्ले स्टेशन फाइव सो भाई इसका डिजाइन देखो ये थोड़ा एलियन वाला फिनिश में है और भाई ये नेक्स्ट लेवल लगता है भाई अलग टाइप का ही इसका इम्प्रेशन पड़ रहा है भाई मतलब कतई देख के मजा ही आ गया भाई इसको बाकी देखते हैं भाई इसमें क्या क्या दिया गया है भाई तो इसमें पीछे साइड पर दिया गया है एक पावर केबल लगाने का स्लॉट दिया गया है एक एच का स्लॉट दिया गया है और एक है इथरनेट लैन लैंड केबल का स्लॉट दिया गया है और दो टो है USB 3 का पोर्ट भाई और आगे साइड पर अगर फ्रंट पर देखा जाए तो भाई फ्रंट पर एक है अपने पास पावर ऑन ऑफ का बटन एक दिया गया है हमारे पास थंडरबोल्ट का स्लॉट जिसको हम बोल सकते हैं यूएसबी टाइप सी का भी स्लॉट बोल सकते हैं और एक हमारे पास यूएसबी का स्लॉट दिया गया तो भाई ये रहा ओवरऑल प्लेस्टेशन स्टेशन फाइव भाई ये मेरी पहली और सबसे पहली बार मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है भाई यार तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम डेली स्ट्रीम करते हैं भाई प्लीज़ आइए यार स्ट्रीम पर ज्वाइन कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग किप सपोर्ट